ओके सो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूंगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। और अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, आज के इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है, ठीक है? तो इसको डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है यहाँ पे, ठीक है? एंड जो गाइस मॉडल है मेरा, उसका मैंने कटआउट पहले से ही कर रखा है। एंड जिसको कटआउट करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो की लिंक दे रखी है, तीन वीडियो की लिंक है, और तीनों वीडियो को मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो ठीक है, आप उन तीनों वीडियो को देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी उनसे। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, मॉडल को जो हमने ऐड कर लिया है, एंड अब हमें ले लेंगे ऐसे क्लाउड के पीएनजी, ठीक है? तो आप सभी को एक क्लाउड्स के पीएनजी ले लेना है, ठीक है? एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे लगाना है, जैसे कि आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में। आपको ये वाला क्लाउड जो जैसे लगाना है, जो दूसरा वाला क्लाउड है आपको नीचे से कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ कुछ इस टाइप से लगा देना, मतलब कि यार जो ये सामने की तरफ से लगाना है, ताकि जो लगना चाहिए कि हाँ आप क्लाउड के बीच में ही बैठे हो, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से। एंड उसका जो है आपको ऊपर वाला क्लाउड है, इसका आपको एक डुप्लीकेट ले लेना है। एंड उसके बाद आप सबको कुछ अपने पैरों के पास कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड उसके बाद गाइस, उसी का एक और डुप्लीकेट कर लेना है। एंड उसके बाद आप सबको कुछ इस टाइप से इस साइड को लगा देना अपने शोल्डर्स के पास, ठीक है? कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ से सिंपली कर देना है डन, ठीक है? उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, आप सभी को यहाँ से चले जाना है इसमें टूल्स में, ठीक है? तो यहाँ से हम टूल्स में चलेंगे। एंड टूल्स में जाने के बाद गाइस जाएंगे हम एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद हम थोड़ी सी ब्राइटनेस को इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे। एंड ऐसे इरेजर वाले टूल में जाके फिर साइज़ को छोटा करेंगे। एंड उसके बाद गाइस, हम यहाँ पे पूरी बॉडी के ऊपर कुछ इस टाइप से पेंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे गाइस मेरे को थोड़ा साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ऐसे अंडो करेंगे। एंड इस पर साइज़ में जाएंगे, यहाँ पर साइज़ को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। एंड कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे साइज़ मतलब कि यहाँ पे पेंट करेंगे, ठीक है गाइस? तो आप सभी को जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ वहाँ पर आप जरूर पेंट करना, ठीक है? मतलब कि इससे क्या है कि एक लुक आता है अच्छा सा, मतलब कि फोटो में। तो देखिए गाइस, आप सभी को मैं दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो है इसका अमाउंट आप कुछ अराउंड 15 तक रख लेना। एंड गाइस देखिए, आप सभी को कुछ दिख रहा होगा अलग सा ही, ठीक है? तो उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, दोबारा से आपको टूल्स में जाना है, फिर उसके बाद एडजस्ट में जाना है, फिर कॉन्ट्रास्ट को जो इसका आगे की तरफ बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को सॉरी गाइस, इसमें सैचुरेशन में जाना है आप सभी को। सैचुरेशन में जाने के बाद गाइस, आप सभी को इसका थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस कर देना है, यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है? इतना करने के बाद आप सभी को फोटो को कर लेना सेव, एंड इसको कर लेना लाइट रूम मैप में ओपन। सो गाइस, उसके बाद लाइट रूम मैप में ओपन करने के बाद आप सभी को जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर देना है, शेडो जो इसको थोड़ा बढ़ा देना है, एंड जो व्हाइट है इसको कम कर देना है, ब्लैक को थोड़ा कम कर देना है। एंड जाना कलर्स में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, ठीक है? एंड जो टेम्परेचर इसका हल्का सा माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना है गाइस, आप सभी को कलर्स मिक्स में, एंड ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को येलो कलर को लेना है, इसका ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड उसके बाद आपको जाना है ब्लू कलर में, स्काई ब्लू में। एंड उसके बाद आपको इसका ह्यू माइनस कर देना है, सैचुरेशन प्लस कर देना है। जाना है डार्क ब्लू में, इसका ह्यू थोड़ा माइनस कर देना है, सैचुरेशन प्लस कर देना है, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सभी को डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को जाना है कलर्स के नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है। एंड जो फोटो में विग्नेट है वो हल्का सा डाल देना है, ठीक है? अराउंड 8 तक। एंड उसके बाद आप सबको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको जाना इसके नीचे वाले टूल में। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको शार्पनेस को बढ़ा देना है, नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देना है, एंड जो कलर नोड रिडक्शन आप सभी को इसको बढ़ा देना है, ठीक है? तो गाइस, फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस, आशा करता हूँ कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।